तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का चैनल के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आगरा डिवीज़न में उत्तर मध्य रेलवे की जो ZRUCC मेंबर्स की जो मीटिंग हुई है उसके अंडर में कौन कौन सी ट्रेनों की डिमांड जो है वो यहाँ पर उठ करके आई है, क्योंकि हमारे राजस्थान को भी जो है इससे कुछ फ़ायदा मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करें ट्रेन नंबर 12177-78 की, जो कि चंबल एक्सप्रेस है। इसके एक्सटेंशन की बात यहाँ पर चल रही थी कि इसको अलवर रेवाड़ी के रास्ते इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, और जो मथुरा के बाद इसका पहला हॉल्ट होगा सीधा अलवर। यहाँ पे लोको रिवर्सल लेने के बाद में ट्रेन जो है वो रेवाड़ी के बाद में भिवानी, और भिवानी से सीधा हिसार, यानी कि सिर्फ 3 हॉल्ट होते हुए ट्रेन जो है वो हिसार पहुँच जाएगी, जिसमें कोई भी चेंजेस यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और मथुरा में भी ट्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक खड़ी रहती है। अभी यहाँ पर कुछ इस तरीके से ही बात निकल के आई है, क्योंकि मथुरा में और नई ट्रेनों के जो एक्सटेंशन है उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है कि आगरा से जितनी भी ट्रेनें हैं उनमें से कुछ ट्रेनें जो हैं वो मथुरा को सौंप दी जाएँ, और आगरा से और नई ट्रेनों का संचालन यहाँ पर शुरू किया जाए। साथ ही और ऐसी ट्रेनें जो हैं जो मथुरा में, क्योंकि अभी यहाँ पर और नए प्लेटफॉर्म बन गए हैं, साथ ही यहाँ पर पिट लाइन का भी काम जो है यहाँ पर बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, इसी वजह से इस ट्रेन का एक्सटेंशन जो है यहाँ पर सौंपा जा सकता है। साथ ही मथुरा छपरा एक्सप्रेस का भी एक्सटेंशन यहाँ पर किया जा सकता है। दरअसल हफ्ते में 3 दिन ये जो ट्रेन है वो संचालित होती है मथुरा से लेकर के छपरा के बीच में, हाथरस कानपुर अनवरगंज होते हुए। तो इस ट्रेन को जो है हफ्ते में इसकी फ्रीक्वेंसी डेली करने की बात यहाँ पर की जा रही है कि 3 दिन की बजाय इसको हफ्ते में 7 दिन संचालित किया जाए। पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि हफ्ते में जो 4 दिन की फ्रीक्वेंसी इसमें जो बढ़ेगी उसमें से 3 दिन इस ट्रेन को मथुरा से जयपुर तक एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि जयपुर छपरा ऑलरेडी इसी रूट पर प्रस्तावित है, पर रेलवे की तरफ से इसको इग्नोर किया जा रहा है। अब अगर इस ट्रेन को हफ्ते में 3 दिन ऐसे एक्सटेंड कर दिया जाता है तो रेलवे के पास में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रूट भी शामिल हो जाएगा रेलवे की लिस्ट में, कि मथुरा से आगरा होते हुए और भांडे इटावा के रास्ते से ट्रेन जो है वो सीधे सीधे जा सकती है आगे कानपुर, और फिर पूरा छपरा वाला रूट जो है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा, और जयपुर की जो छपरा वाली ट्रेन की डिमांड है वो भी यहाँ पे जो है वो पूरी हो जाएगी। क्योंकि अभी देखा जाए तो प्रयागराज तक सिर्फ बीकानेर प्रयागराज चलती है, जो कि फुल्ली रश के साथ में चलती है, और ना ही जयपुर से अभी अलवर मथुरा होते हुए कोई ऐसी ट्रेन है जो कि बिहार की ओर जाती हो। तो इस तरीके से अगर आप लोगों को ये डिमांड अच्छी लगती हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताना कि इस ट्रेन का एक्सटेंशन यहाँ पे होना चाहिए कि नहीं, कि जयपुर तक इस ट्रेन का एक्सटेंशन हो, साथ ही चंबल एक्सप्रेस का भी एक्सटेंशन हिसार तक हो या नहीं। वहीं हम बात करें अभी मरुधर एक्सप्रेस के लिए भी, यहाँ पे एक ट्विस्ट सामने निकल करके आया है। मरुधर एक्सप्रेस 3 अलग अलग रूट से चलती है, तो हफ्ते में 2 दिन इसको अलवर बांदीकुई होकर के भी संचालित करने की मांग ऐसे की जा रही है कि ये जो ट्रेन है अभी होकर के जाती है, जो भरतपुर बांदीकुई वाला सेक्शन है ये ट्रेन अभी इस रूट पर होकर के जाती है, पर अब इस ट्रेन को जो है बांदीकुई अलवर मथुरा आगरा इटावा के रास्ते इसको संचालित करने की मांग की जा रही है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रूट है। साथ ही मरुधर एक्सप्रेस के लिए भी जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रूट जो है वो सामने आ जाएगा। अब इन तीनों ही ट्रेनों के ऊपर आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं, ताकि आने वाली जो मीटिंग के दौरान जो वीडियो होंगी उनमें मैं आप सभी लोगों के ओपिनियन जो है वो शामिल कर सकूँ। तो मिलेंगे अभी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।